Assalamu alaikum dear students. This is our second lecture of your geography book chapter number 4 agriculture. In today's lecture we are going to discuss about more crops like sugarcane, oilseeds, tea, coffee, horticulture, rubber, cotton, jute and at last we are going to discuss about silic. तो इससे पहले आपने पढ़ा था किस किस के बारे में चावल और व्हीट के बारे में यानी कि राइस और व्हीट के बारे में तो चलिए अब हम पढ़ते हैं शुगर केन के बारे में इसे उगाने के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है यानी कि इक्कीस डिग्री सेल्सियस से लेकर सत्ताईस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और बारिश 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए शुगर केन की प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है पहले नंबर पे कौन सा मुल्क आता है ब्राज़ील हमारे मुल्क की जिन रियासतों में शुगर केन उगाया जाता है वो कौन कौन सी है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा कर्नाटका आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड इससे आप बहुत सारी चीजें बनाते हैं यानी कि गुड़ बनाते हो खान बनाते हो और चीनी बनाते हो अब हम शुगर कैन के बाद डिस्कस करेंगे और एक सील को जिसका नाम है ऑयल सील्स यानी वो चीज जिनका तेल हम इस्तेमाल करते हैं जैसे सरसों का तेल जैसे कि ग्राउंडनट मस्टर्ड सोयाबीन लिनसीड, सीड कॉटन सीड सीसम कोकोनट ऑयल सनफ्लावर ऑयल एक्सट्रा चाइना के बेद इंडिया सेकंड नंबर पे आता है यानी कि किसकी प्रोडक्शन में ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में ऑयल सीर से हम और भी चीजें बनाते हैं जैसे कि साबन बनाते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मुख्तलि कस्म के तेल भी बनाए जाते हैं इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टी के बारे में यानी कि चाय चाय इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इंसान इसके बगैर जी ही नहीं सकता यानी कि सुबह चाय दही बजे चाय चोर बजे चाय शाम शोंगन चाय यानी कि चाय चाय ब्याख त जोखा वन बह अगर कुन जाए कह मसल हाँ हल कर तो गोने चु लुख वन तेरी राय मेरी राय सबकी राय लेकिन सबसे पहले चाय तो मसल चु तेल गल ये चाय आज महल वाले नहस, या ब्रूक बंड वाले नहस, या अगर वाल नुपन चाय गसल हल की। तो अगर इंडिया की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी प्रोडक्शन इंडिया की जिन रियासतों में चाय को प्रोड्यूस किया जाता है वो कहाँ कहाँ है यानी कि आसाम वेस्ट बंगाल केरला उत्तराखंड त्रिपुरा मेघालय चाय की प्रोडक्शन के लिए सोइल बहुत ही फर्टाइल और गर्म और खुशक मौसम की ज़रूरत पड़ती है अब इसके बाद करते हैं बात कॉफ़ी की यानी कि बच्चे पसंद करते हैं खाना टॉफी और बारों को चाहिए कॉफ़ी ही कॉफ़ी हमारा मुल्क जो है वो वर्ल्ड की 3.2 परसेंट कॉफी बनाता है यहाँ की कॉफी जो है वो क्वालिटी में मानी जाती है यहाँ कर्नाटका में केरला में तमिलनाडु में इसे प्रोड्यूस किया जाता है हालांकि तो हिस्ट्री मंज कि ब्रिटिश ने यहां पर जिन प्लांटेशन ओनर्स को बुलाया उन्होंने कितने जंगल को क्लियर किया क्या उगाने के लिए कॉफ़ी उगाने के लिए क्योंकि ये एक कॉस्टली प्रोडक्ट है इसके बाद हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की इसमें इंडिया की रेख है सेकंड आफ्टर चेना यानी कि पहले नंबर पे चेना है और दूसरे नंबर पे हमारा मुल्क भारत हमारा मुल्क वर्ल्ड के तेरह प्रतिशत फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करता है साल 2015 में ये देखा गया कि चेना के बाद हार्टिकल्चर में हमारा मुल्क दूसरे नंबर पे आता है अब आप किताब से खुद देखोगे कौन कौन सा मेवा और सब्जियाँ हमारे मुल्क में तैयार होती है यह आप बुक से खुद देखोगे लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि जब मैं केरला गया था तो मैंने वहाँ पे एक रुपया में चार केले खाए थे तो खुद आप अंदाज़ा करोगे कि केरला से केले निकलते हैं और वहाँ पे वो बहुत सस्ता में मिलता है यूपी अगर जाओगे तो वहाँ पर आप क्या खाओगे वहाँ पर आप दस रुपया में दो किलो आम खरीद सकते हो और अगर कश्मीर की मानी जानी चीज़ आपको चाहिए फ्रूट में से तो वो शुपयानी एप्पल माना जाता है बाकी फ्रूट्स के बारे में आप ख़ुद ज्योग्राफी बुक से मालूम हासिल करेंगे इसके बाद हम बात करते हैं रबर की इसे उगाने के लिए पूर्णम यानी कि मॉइस्चर और गीला यानी कि ह्यूमिड आबो हवा यानि कि क्लाइमेट की, की ज़रूरत पड़ती है रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर और टेम्परेचर पचीस डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए ये मेनली जिन रियासतों में उगाया जाता है वो कौन कौन सी है कर्नाटका तमिलनाडु केरला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रबर की प्रोडक्शन में चौथी पोजीशन पे आता है रबर आपको पता ही होगा किस किस काम में इस्तेमाल होता है पेंसिल के पीछे वाले रबर से लेकर मोन्टेक्स पेन के रबर तक आपने देखा ही होगा ये सब किसका बना होता है रबर का यानी कि आपने जो चप्पल पहनी हुई है ये भी रबर की बनी हुई है और हम जो जूता पहनते हैं वो भी रबर का बना हुआ होता है और वाटर ट्यूब्स पाइप्स, टायर गाड़ी के ये सब किसके बने होते हैं रबर के और अब आपको इससे पता चलता है कि रबर की कितनी अहमियत है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉटन के बारे में कॉटन के बारे में आपको तो पता ही होगा कि इंसान ज़्यादातर कपड़े पसंद करता है लगाना किसके कॉटन के और कॉटन के बारे में आपने तो हिस्ट्री में बहुत ही पढ़ा है कि हिंदुस्तान का कॉटन कितना मशहूर था पहले कॉटन लोग कहाँ से लाते थे चाइना से लाते थे लेकिन जब वो सिर्फ़ बुलियन मांगते थे लेकिन फिर यूरोप ने क्या किया उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बनाई और यहीं से कॉटन सस्ते दामों में लेने लगे तो आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में सिल्क और कॉटन सबसे पहले ही मशहूर है इंडिया चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है किसकी प्रोडक्शन में कॉटन की प्रोडक्शन में हमारी जिन रियासतों में कॉटन को उगाया जाता है वो है मध्य प्रदेश हरियाणा उत्तर प्रदेश कर्नाटका पंजाब आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। ये उगने में छ महीने से लेकर आठ महीने का वक्त लेते हैं इसे बहुत ही हाई टेम्परेचर और कम रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है इससे पहले वाले यूनिट यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा ही होगा कि इसके लिए कौन सी सॉइल बेहतर कार होती है यानी कि ब्लैक सॉयल इसकी प्रोडक्शन के लिए बेहतर रहती है और यहाँ के कॉटन की आपको इम्पोर्टेंस पहले से ही पता है अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जूत की यानी कि जूट से आप क्या बनाते हैं रोप्स बनाते हैं रस्सी बनाते हैं बैग बनाते हैं कारपेट्स बनाते हैं और इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल में लाया जाता है इसे फर्टाइल सॉइल और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा मौसम इसे कहाँ कहाँ नसीब होता है वेस्ट बंगाल में उड़ीसा में बिहार में आसाम में मेघालय में यानी कि ये स्टेट जूट की प्रोडक्शन के लिए मानी जाती है कहाँ पे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अब लास्ट में हम बात करते हैं किसकी सिल्क की इसे उगाया नहीं जाता बल्कि इसे एक प्रोसेस के जरिए तैयार किया जाता है ये एक कीडा होता है जिसे आप क्या कहते हैं सिलिक वर्म वही इसे प्रोड्यूस करता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सेरिकल्चर और इसके साथ हमने सारे क्रॉप्स को डिस्कस किया लेक्चर नंबर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में और गोरमेंट ने कौन कौन सी चेंजेस लाई एग्रीकल्चर में यानी कि फार्मर्स की सहूलियत के लिए गोरमेंट ने क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ लाई और ग्लोबलाइजेशन से क्या असर पड़ा हमारे किस पे हमारे एग्रीकल्चर पे और फिर हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज फ़ी अमान